हेलो स्टूडेंट्स, ए वार्म वेलकम यू टू आवर चैनल। आइए सीखें प्रोग्राम टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू एंटर नंबर। एक नंबर एंटर कराएंगे और एक से लेके एंटर की तक के नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसे फैक्टोरियल भी कहा जाता है, एंटर किए हुए नंबर का फैक्टोरियल। जैसे कि एक से पांच तक के सारे नंबरों की मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्रोडक्ट 120 होगा, एक से पांच तक के सारे नंबरों की मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह सिक्स तक के सारे नंबरों की मल्टीप्लीकेशन 720 है और सात तक के सारे नंबरों की मल्टीप्लीकेशन 5040 है। और अब कंप्यूटर से कैसे इसे कराएंगे, सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से ही कर रहे हैं क्योंकि जीरो से तो कर नहीं सकते, दो नंबर चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और एडिशन करने के लिए, किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए। तो जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए वन को वन से ही कर लिया। वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, वन। अब वन आंसर आया है तो इसी आंसर को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दो आ गया। अब रिजल्ट दो आया है तो दो को अगले नंबर से करेंगे, अगला नंबर तीन है, सिक्स रिजल्ट आया। अब इस सिक्स रिजल्ट को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, तो फोर 24 आया। इस 24 रिजल्ट को अगले नंबर से करेंगे पांच से, तो 120 आया। तो मींस एक से लेके पांच तक के जितने भी नंबर थे उनको अलग अलग को मल्टीप्लाई करते रहे हैं हम रिजल्ट से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना मल्टीप्लीकेशन करने का, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू नंबर। रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट को नंबर से मल्टीप्लाई करने से। तो ये फॉर्मूला हम मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखें कैसे। मेन हैश इंक्लूड stdio डॉट h, वॉइड मेन हमने लिखा और नंबर एक एंटर कराना पड़ेगा जहां तक हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है। और scanf क्या करेगा, नंबर एंटर कराने देगा और उस एंटर किए हुए नंबर को रीड करके n में रखेगा और हमने n वेरिएबल साथ में डिक्लेयर किया int के साथ। अब हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है एक से ज़्यादा नंबर की, तो लूप लगाना पड़ेगा, लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लूप फॉर के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर लूप एक से लेके कहाँ तक चलेगा, एंटर किए हुए नंबर तक। और क्या करवाना है इसे, रिजल्ट इनटू आई, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है लूप के वेरिएबल में, जो भी नंबर आएंगे लूप के वेरिएबल में आई आएगा। और साथ में हमने रिजल्ट यहाँ पे जीरो की बजाय वन लेना है क्योंकि स्टार्टिंग में अब जीरो नहीं होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो इस तरीके से रिजल्ट टू आई करेंगे। तो ये लूप क्या करेगा, एक से लेके लूप को हमने फॉर्मूला दे दिया जो हमने बनाया है फॉर्मूला मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये लूप एक से चार नंबर तक की मल्टीप्लीकेशन करेगा और रिजल्ट में रखता जाएगा और इस रिजल्ट को हमने प्रिंट कराना है। तो हम प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट एफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉमा रिजल्ट परसेंटेज डी के साथ हमें ये प्रिंट करना है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा प्रिंट होगा 24। तो आई होप कि आपको ये सारे अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं।